Good morning everyone. Today I will discuss about basics of SQL and I am Shubha Dubey from IES IPS Academy Computer Science Department Data Science. So let's begin with the introduction of SQL and here are my outlines. So let's begin. So beginning with here, this is my outline. So beginning here, the first part is introduction to SQL. Moving ahead is SQL commands, then data definition language, data manipulation language, data control language, SQL data types and SQL constraints. Now let's begin with the introduction to SQL. So what is basically a SQL? So SQL is a short form of structured query language and it may be pronounced as SQL or it may be pronounced as SQL. So this particular language is mainly designed for maintaining the data in an RDBMS and mostly the data professionals generally use this tool for handling the unstructured data. So SQL is generally used in RDBMS. RDBMS is Relational Database Management System. So whatever data we are having, all those particular data is handled with the help of RDBMS. And SQL is the particular tool which help to easily create and manipulate the database. There are various other softwares available. For example, there is IBM DB2, there is SQL Server, there is Cassandra. So these are the various categories available for RDBMS, right? So इसका बेसिक यूज हम कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं. तो RDBMS का हम यूज देख सकते हैं, जैसे कि हम बात करें, जब हम DBMS की बात करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, किसी भी रिलेशनल डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखने में, स्ट्रक्चर्ड करके रखने में हमें हेल्प करता है, राइट? और वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ SQL मॉडल. SQL मॉडल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. तो SQL इस सब तरीकों में हमारी मदद करता है. और हम SQL से और क्या चीज़ें कर सकते हैं, सो इट कैन बी ईजीली क्रिएटेड, मैनिपुलेटेड. हम आसानी से उसको क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. जनरली जो भी हमारा रिलेशनल टेबल होता है वो किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है, तो वो रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है. तो अगर हम किसी भी टेबल की बात करें, जैसे मान लीजिए आपने एक्सेल का यूज़ करा है, तो एक्सेल में हम देखते हैं वहाँ पर कुछ रोज और कॉलम्स रहते हैं, और जो भी हमारा डेटा है हम उस डेटा को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में इंसर्ट करते हैं और यूज़र अपनी क्वेरी को उसके थ्रू आंसर करता है, ठीक है? तो आमतौर पर हम देखते हैं हमारे पास कई तरीके के, आप जब एग्ज़ाम फॉर्म्स भरते हैं या किसी भी तरीके के आप क्वेरीज जब आप फिल करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं. योर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट, आपकी एज, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी. सो ऑल दीज डेटा आर पर्टिकुलरली फिल्ड इन अ रिलेशनल मॉडल, और उसको फिल करने के लिए ज़रूरत होती है RDBMS की, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, जो इस तरीके से आपके इनपुट को ले सकता है, ठीक है? ये आपसे इस तरीके से मदद करता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाई SQL? SQL की जरूरत क्यों है? सो एज वी नो, SQL इज वाइडली यूज्ड इन डेटा साइंस. डेटा साइंस में SQL को हम आमतौर पर हर जगह पर यूज होते हुए देखते हैं. क्यों? क्योंकि इसके कई सारे बेसिक यूजेस हैं. तो कौन कौन से बेसिक यूजेस हैं इसके? इसके बेसिक यूजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू एड अ पर्टिकुलर डेटा, तो वहाँ पर हम
इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू अपडेट द डेटा तो वहाँ पर हम अपडेट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, डिलीट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं. जिस भी तरीके की ऑपरेशन की हमें रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्ड डेटा. हमें किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर्ड डेटा को आइडेंटिफाई करना है तो ये वहाँ पर भी हमारी मदद करता है. तो SQL यूज़र्स आसानी से किसी भी क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग द व्यू, स्टोर्ड प्रोसीजर एंड फंक्शंस इन द डेटाबेस, कि किस तरीके से जो हमारी क्वेरी है वो हमें विजिबल होगी. तो दैट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट. देन अगर हमें किसी पर्टिकुलर यूज़र को परमिशन देनी है किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो वो भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेरियस कॉन्स्ट्रेंट्स. जैसे कि हम आगे कॉन्स्ट्रेंट्स की, SQL कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करेंगे, जहाँ पर हम ग्रांट और रिवोक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, कि ग्रांट मतलब किस पर्टिकुलर यूज़र को परमिशन देनी है एंड रिवोक किसे हम वो परमिशन ले सकते हैं. तो ऑल दोज कंस्ट्रेंट्स वील डिस्कस अबाउट. नाउ मूविंग अहेड, यूजेज ऑफ SQL. तो SQL के क्या क्या यूजेज हैं. सो द यूजेज ऑफ SQL इज मैंशन ओवर हियर, यहाँ पे बताए गए हैं कौन कौन से यूजेज हैं. यहाँ पर डेटा डेफिनेशन. डेटा डेफिनेशन क्या करता है, यहाँ पे आप अपने स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं तो वो आप डेटा डेफिनेशन की मदद से करते हैं. वो आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, उनकी रिलेशनशिप्स को बताता है कि उनकी रिलेशंस किस तरीके से बताई गई हैं उस पर्टिकुलर स्टोर डेटा में. सेकेंड इज डेटा रिट्रीवल. डेटा रिट्रीवल क्या बताता है कि आप अपने SQL से किसी भी डेटा को किस तरीके से रिट्रीव कर पा रहे हैं. तो वो करने के लिए कई तरह की क्वेरीज होती हैं जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे. तो वो क्वेरीज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर आउटपुट को ले सकते हैं, हम अपने डेटा को आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं. आगे हम बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन. सो डेटा मैनिपुलेशन क्या है कि मान लीजिए अगर कोई यूज़र किसी पर्टिकुलर डेटा को क्या करना चाहता है, रिमूव करना चाहता है, किसी पर्टिकुलर डेटा को मॉडिफाई करना चाहता है. फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास एक यूनिवर्सिटी का एक डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है. तो उस यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में मे बी कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है, दैट इज़ पर्टिकुलरली लीविंग द इंस्टीट्यूट. तो हम उसकी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज चेंज, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डेटा मैनिपुलेशन. एक्सेस कंट्रोल. एक्सेस कंट्रोल क्या बताता है कि हम SQL से क्या कर सकते हैं, अपने यूजर्स को क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जो भी उसका डेटा है उसको हम क्या करें, कब रिट्रीव करें, कब ऐड करें, कब मॉडिफाई करें. तो ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, ठीक है. लास्ट इसमें ऑप्शन आता है हमारा डेटा शेयरिंग. तो डेटा शेयरिंग क्या है, हियर SQL इज यूज टू कोऑर्डिनेट डेटा शेयर्ड बिटवीन द डिफरेंट यूजर्स. तो एक समय पर कई सारे यूजर्स साइमल्टेनियसली कंकरेंटली एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. और यही हम कहते हैं कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम, जो हमारा ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था, और जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. तो उसी के कई सारे एडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए RDBMS का यूज़ किया गया. तो RDBMS क्या कर रहा है हमारे लिए, RDBMS में हमें यही सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि आसानी से कंकरेंटली हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हमें सिक्योरिटी मिल रही है, कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र नहीं है हमारे पास उनको ऑथराइज करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए भी परमिशंस हैं. रेस्ट्रिक्ट करने की परमिशंस हम उन्हें क्या क्या दे सकते हैं, हम किसी को परमिशंस ग्रांट कर सकते हैं, किसी से परमिशन ले सकते हैं, ठीक. आगे बात करते हैं हम
Next is data definition language. What is data definition language? तो कई तरीके की languages हैं जो हमारे SQL commands में exist करती हैं. तो ये इसमें particular keywords बताए गए हैं, SQL statements बताए गए हैं और इसकी कुछ categories हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले आपको category दिखेगी, that is the data definition language. Next category is data manipulation language. Third category is data query language. Fourth category is data control language. And fifth category is transaction control language. So these are the five categories कि किस तरीके से आप अपने commands को access कर सकते हैं, बता सकते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं data definition language के बारे में. Data definition. So what is the purpose of this particular data definition language? कि SQL क्या करता है कि किसी भी database को किस तरीके से create करना है. तो create करने के purpose को क्या कहा गया है? Data definition language. Now it totally depends upon कि किस तरीके का बिजनेस है, कौन से डेटाबेस इंजीनियर्स हैं कि वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकें और वो जो पर्टिकुलर हमारा टेबल क्रिएटेड है वो उन पर्टिकुलर बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूजफुल हो पाए. राइट. सो द क्रिएट, जो हमारा क्रिएट कमांड है वो क्या करता है, इस तरीके की एप्लीकेशंस में हमारे लिए यूजफुल होता है. तो हम यहाँ पर क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. लाइक हम यहाँ पर क्या क्रिएट कर सकते हैं? टेबल्स, व्यू एंड इंडेक्सेस का यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अब जो सबसे पहला कमांड है यहाँ पे, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कुछ कमांड है. सबसे पहला कमांड है क्रिएट. क्रिएट में हम क्या कर सकते हैं? किसी भी न्यू टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. दूसरी चीज़ क्या है हमारा? ऑल्टर. ऑल्टर क्या करता है? कोई भी एग्जिस्टिंग है, कोई भी एग्जिस्टिंग चीज़ है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं हम बाय यूजिंग द ऑल्टर कमांड. ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. तो वट एवर द एज पर द रिक्वायरमेंट जो भी हमें चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमें पूरा का पूरे टेबल को डिलीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड. नेक्स्ट वन इज ड्रॉप. ड्रॉप क्या करता है? इट डिलीट्स द एंटायर टेबल. पूरे एंटायर टेबल को अगर हमें डिलीट करना है तो वहाँ पर हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पर्पस क्या है? इट कैन बी यूज्ड फॉर अपडेटिंग द डेटा. जब हमें किसी डेटा को अपडेट करना है तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं. कौन कौन से कमांड्स आते हैं DML लैंग्वेज में? तो द कमांड्स दैट वर इंक्लूडेड इन द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज नंबर वन सेलेक्ट. सेलेक्ट क्या करता है? अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेबल से किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना है तो वहाँ पर हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं. आगे जाके हम सिलेक्ट कमांड के बारे में पढ़ेंगे कि सिलेक्ट को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है. हमारे पास एक टेबल है, उसमें कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स बने हुए हैं हमारे पास. तो उन पर्टिकुलर रोज और उन पर्टिकुलर कॉलम से हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके की रिकॉर्ड को हमें रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एम्प्लॉई डेटाबेस है और उस एम्प्लॉई डेटाबेस के हमें सारे के सारे फील्ड्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम कमांड लिख सकते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई. तो ये क्या करेगा? एम्प्लॉई टेबल के जितने भी फील्ड्स हैं उन सारे फील्ड्स को हमें प्रोवाइड कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इंसर्ट कमांड. इंसर्ट कमांड क्या करता है यहाँ पर? सपोज इफ वी वॉन्ट टू इंसर्ट अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करना है, राइट. जैसे कि हमारे पास से हमने सबसे पहले क्या किया? टेबल को क्रिएट कर लिया. टेबल में क्रिएट कर लिया कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी. स्टूडेंट का आईडी, नेम, रोल नंबर, एज, कॉन्टैक्ट नंबर,
ब्रांच, तो ये सारी हमने एक टेबल क्रिएट कर ली, लेकिन अब उस टेबल में हमें उस इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज अपडेट, अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है। डिलीट, अगर हमें कुछ डेटा को हटाना है। नेक्स्ट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या करता है, रिट्रीवल के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर कोई डेटा है, हमें एक पर्टिकुलर किसी भी इंफॉर्मेशन को फिल्टर लगाना है या कुछ सिलेक्टेड रोज को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए यहाँ पर सिलेक्ट कमांड का यूज़ होता है। ठीक है, हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर में आइडेंटिफाई करना है ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जिनका जो लोन है दैट इज़ अबाउट 10 लैक्स। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द होल डेटाबेस कि कौन कौन से कस्टमर है, कितने सारे उनके लोन्स है, वी कैन सिंपली फायर अ क्वेरी। हम सिंपली एक क्वेरी देंगे ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जिनका जो लोन है दैट इज़ अबाउट 10 लैक्स, एंड दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड। तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड। वो अपनी फिल्टरेशन करेगा और जो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं सिर्फ वही आपको डिस्प्ले करेगा। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द होल थिंग, यू कैन फोकस ऑन द डिजायर्ड रिजल्ट। मूविंग अहेड वील डिस्कस अबाउट डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज किस पर्टिकुलर के लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ जनरली यूज बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसे यूज़ करते हैं अगर हमें किसी डेटाबेस को, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना है या ग्रांट करना है, तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, कुछ कमांड्स हैं यहाँ पर। ग्रांट, अगर हमें किसी यूज़र को, अगर हमें उसे कुछ परमिशंस देनी है, उसे ऑथराइज करना है, सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द ग्रांट कमांड। तो ग्रांट हम उसे परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, रिवोक। रिवोक क्या करता है, इट्स टेक बैक द प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस को वापस लेने के लिए रिवोक कमांड का यूज़ किया जाता है। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकते हैं, दे कैन पर्टिकुलरली गिव द प्रिविलेजेस टू द यूज़र बाय द ग्रांट परमिशन, आइदर दे कैन टेक बैक द प्रिविलेजेस बाय यूजिंग द रिवोक कमांड। राइट, नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का क्या यूज़ किया जाता है? तो बेसिकली यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म को डिस्कस किया गया है, दैट इज़ ट्रांजेक्शन। तो जब भी हमारे को ट्रांजेक्शन दिमाग में आता है, तो हमें हमेशा यही चीज़ क्लिक करती है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। सो व्हाट इज़ बेसिकली अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन? बैंकिंग ट्रांजेक्शन मीन्स किसी एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में किसी पर्टिकुलर अमाउंट का ट्रांसफ़र होना, दैट इज़ पर्टिकुलरली ट्रांजेक्शन। दिस पर्टिकुलर आइडिया क्लिक्ड इन आवर माइंड कि यही होता है ट्रांजेक्शन, राइट? यस, तो यही पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सपोज इफ देर इज़ अ ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक अकाउंट ए है और दूसरा अकाउंट बी है, तो अकाउंट ए से अकाउंट बी में कुछ जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सपोज इफ अकाउंट ए इज़ हैविंग an amount of ₹500 and account B is having an amount of ₹300 and suppose an amount of ₹200 is being transferred from account A to account B, so either that transaction should be completed और आइदर इट शुड नॉट बी कम्प्लीटेड, राइट? तो ऐसी कोई इन बिटवीन वाली स्टेट तो होगी नहीं कि बीच में कहीं आपका जो अमाउंट है वो कहीं बीच में रह जाए। सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से किसी दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होना। तो अगर 500 है तो अगर उसका 200 चला गया तो रिमेनिंग विल बी 300, एंड हियर इफ इट विल बी 300 आफ्टर रिसीविंग 200 इट विल बी 500। सो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इट विल बी हैंडल्ड बाय द ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या करता है, आपके पूरे ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ देर मे बी सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फेलियर, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन
यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है कि वो क्या करता है, आपके जितनी भी लॉग हिस्ट्री है उस पर्टिकुलर लॉग हिस्ट्री को एनालिसिस करता है। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में कुछ कमांड्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रोल बैक कमांड, ठीक है। एक होता है यहाँ पर कमिट एंड द नेक्स्ट वन इज़ रोल बैक। कमिट क्या बताता है, आइदर दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज बींग कम्प्लीटेड, सो इट इज़ इन द कमिट स्टेट, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पूरा जो पूरा डेटा है दैट इज बींग कम्प्लीटली डन। सेकेंड वन इज रोल बैक, ड्यू टू सम इशूज आपका जो भी ट्रांजेक्शन होना था दैट इज नॉट कम्प्लीटेड, सो अब हम उसे इन बिटवीन स्टेट में नहीं रख सकते, तो इट विल बी रोल्ड बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, सो दैट पर्टिकुलर इज नोन एज रोल बैक। सो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में दो तरीके के कमांड्स होते हैं, कमिट एंड रोल बैक, ठीक है। जनरली हम बैंक्स वगैरह में ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का और SQL का यूज होते हुए देखते हैं। आगे बात करते हैं हम SQL syntax. Now, this is the most important part कि SQL syntax क्या होते हैं। तो जो भी इसके rules और guidelines हैं, इस particular rules और guidelines को क्या कहा गया है, syntax, ठीक है। तो जितने भी हमारे SQL statements हैं, for example, select, insert, update, delete, alter, drop, create, use, शो, ये जितने भी कमांड्स हैं इन सारे कमांड्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ में एक सेमीकोलन यूज़ किया जाता है। सो ऑल द SQL स्टेटमेंट्स यूजेस अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द ईच स्टेटमेंट, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो यूज सेपरेट SQL स्टेटमेंट्स टू इंक्लूड मल्टीपल SQL स्टेटमेंट्स है ना सिंगल लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी SQL कमांड को जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ किया जाएगा। मूविंग अहेड, अब सबसे पहले कमांड की हम बात करते हैं जिसे कहा गया है SQL क्रिएट स्टेटमेंट। तो SQL क्रिएट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस को बनाने के पहले क्या करेंगे, एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो उसको क्रिएट करने का क्या सिंटेक्स है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्रिएट करने का क्या सिंटेक्स है, क्रिएट डेटाबेस, जो भी आपका डेटाबेस है, क्रिएट डेटाबेस और उस पर्टिकुलर डेटाबेस का नेम। फॉर एग्जांपल, सपोज आपको एक सैम्पल डीबी नाम का डेटाबेस बनाना है, तो आप सैम्पल डीबी नाम का डेटाबेस बना सकते हैं और उसको बनाने के लिए आप क्या कमांड लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस सैम्पल डीबी। आप क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस सैम्पल डीबी। तो इससे क्या होगा, आपका सैम्पल डीबी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। मूविंग अहेड, अब नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं SQL यूज स्टेटमेंट्स। एक बार आपने डेटाबेस को क्रिएट कर दिया है, नाउ यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, ठीक है। तो उसको यूज करने के लिए हम कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं, सो द पर्टिकुलर कमांड दैट इज बीइंग यूज्ड इज नोन एज यूज सैंपल, जो भी आपने डेटाबेस बनाया है। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने अभी प्रीवियसली कौन सा डेटाबेस क्रिएट करा है, क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस, आपने क्या नाम लिखा था उसका, सैंपल डीबी, एंड यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, इसलिए आपने यहाँ पर क्या लिख दिया है, यूज सैंपल डीबी, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं एंड वन मोर थिंग, टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस में आपको अल्टीमेटली करना क्या है, टेबल्स ही क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट टेबल करेंगे और यूज टेबल भी करेंगे, ठीक है। मूविंग अहेड, अब ये तो हमने बात करी थी डेटाबेस को क्रिएट करने की, अब बात करते हैं SQL ड्रॉप डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पर्टिकुलर डेटाबेस इज नो लॉन्गर नीडेड, उसकी रिक्वायरमेंट हमें है ही नहीं, तो हम उससे अपना स्पेस क्यों रिजर्व करके रखेंगे, तो इन केस ऑफ दैट वी कैन ड्रॉप दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, एंड फॉर दैट द कमांड दैट इज नीडेड इज ड्रॉप डेटाबेस और उस पर्टिकुलर डेटाबेस का नाम।
For example, if we have created the sample DB, then again we can use that particular database so to drop the database. So hum kya likh sakte hain? Drop database sample DB. So that particular database has been dropped. Usko hum delete kar sakte hain. Now, the most important thing, SQL create table. SQL create table यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर आपको क्या करना है, अपने टेबल को क्रिएट करना है, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आपको यहाँ पर कमांड दिख रहा है. What command is written over here? Create table, table name. जो भी आप टेबल बना रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे. कॉलम वन. For example, आपने लिखा हुआ है क्रिएट टेबल स्टूडेंट. तो स्टूडेंट के लिए आप कॉलम वन क्या लिखेंगे? रोल नंबर. रोल नंबर के लिए क्या डेटा टाइप हो सकता है? इंट. तो आपने इंट लिख दिया. दूसरा आपने कॉलम क्या लिखा? नेम. नेम के लिए क्या आप लिख सकते हैं? डेटा टाइप कैर और इट में भी वैर कैर. नेक्स्ट, आप उसके अंदर से जितने भी कॉलम्स इंक्लूड करना चाहते हैं आप वो कॉलम्स बताते जाएंगे और डेटा टाइप बताते जाएंगे. दैट पर्टिकुलर टेबल विल बी क्रिएटेड एंड द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, दैट इज द प्राइमरी की. अब वन थिंग टू बी नोटेड हियर इज दैट व्हाट इज द प्राइमरी की. तो प्राइमरी की क्या हो सकता है? जिससे हम किसी पर्टिकुलर टेबल में आइडेंटिफाई कर पाए. तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट डेटाबेस है, तो हम स्टूडेंट डेटाबेस में स्टूडेंट को किस पर्टिकुलर कॉलम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो स्टूडेंट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड बाई यूजिंग द एनरोलमेंट नंबर. एनरोलमेंट नंबर से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्यों आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि एनरोलमेंट नंबर एक यूनिक, हमारे पास एक यूनिक वैल्यू होती है, राइट? हम किसी दो स्टूडेंट्स को कोई एक एनरोलमेंट नंबर नहीं दे सकते. मे बी द स्टूडेंट हैविंग द सेम नेम, मे बी द स्टूडेंट हैविंग द सेम सर नेम, बट द एनरोलमेंट नंबर विल नॉट बी द सेम ओवर हेयर. सो in that particular case, the primary key may be considered as the student roll number, right? Now, here, this is a particular example जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक customer table को create कर रहे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर एक customer table को create कर रहे हैं with an ID as a primary key and not null as the constraints. तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं. Create table customer. हमने यहाँ पर एक customer नाम का table create करा है. ID बनाई है. That ID is integer. Integer data type है उसका. Not null constraint दे के रखा हुआ है. Name दे के रखा हुआ है हमने. Varchar. Not null यहाँ पर constraint दिया हुआ है. और varchar के साथ हमने 20 दिया हुआ. That is the range. How many particular characters can be inserted over here. Age is int, integer value में लेकर रखा हुआ है. Address and salary. So these are the particular columns which can be used in the particular student database. और यहाँ पर primary की क्या बनी हुई है? आपकी ID, right? Moving ahead, the next one is SQL describe statement. SQL DESE क्या करता है? आपने जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्रिएट करा है उसको डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है यहाँ पर? DESE टेबल. तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? DESE और पर्टिकुलर टेबल का नाम लिख देंगे. तो क्या होगा? जो भी हमारा पर्टिकुलर टेबल है उसको डिस्क्राइब कस्टमर. तो हमारा पूरा एक जैसे कि आप देखते हैं ना वो हमारा एक्सेल, वैसे ही यहाँ पर हमारा आपको टेबल दिखाई देगा. उसमें रोज दिखाई देंगे, कॉलम्स दिखाई देंगे, उनकी वैल्यूज को हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक. आगे इंसर्ट. अभी हमें क्या दिखा? एक एक्सेल में रोज और कॉलम्स दिखाई दिए. अब हम चाहते हैं कि उन रोज और कॉलम्स में कुछ वैल्यूज को हम क्या कर दें? ऐड कर दें. तो उसको ऐड करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंसर्ट इनटू टेबल नेम. जो भी आप टेबल हैं उसमें कॉलम्स में वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप इंसर्ट इनटू टेबल नेम में उन पर्टिकुलर वैल्यूज को हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल से देखते हैं. ये अभी आपने टेबल क्रिएट करा था कस्टमर नाम का, वहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ था? उसकी आईडी लिखी थी, नेम लिखा था, एज लिखा था, लोकेशन लिखा था और सैलरी लिखी थी. हम वही चीज़ों को हम यहाँ पर इंसर्ट करवा रहे हैं. सो इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज.
यहाँ पर हमने 1 में वैल्यू डाली है रमेश, 32 इज़ द एज, लोकेशन इज़ अहमदाबाद एंड 2000 इज़ द सैलरी। तो इस तरीके से हमने इसकी लोकेशन दी है। सिमिलरली हमने सेकेंड वैल्यू को इंसर्ट कराया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड द लास्ट वन इज़ सेमी कोलन, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। अगर हमें किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना है तो रिट्रीव करने के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलेक्ट जो भी हमें यहाँ पर वैल्यू को रिट्रीव करना है, तो इट मे बी द नेम, आईडी, जो भी हम रिट्रीव करना चाहें वो हम यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स। सो ये कस्टमर से रिलेटेड सारी चीज़ों को हमें प्रोवाइड कर देगा। एस्ट्रिक क्या है यहाँ पर, कंप्लीट डेटा, ठीक है। तो जो भी हमारे कस्टमर में जो भी कंप्लीट डेटा है तो वो हमें सिलेक्ट एस्ट्रिक के थ्रू मिल जाएगा। नेक्स्ट एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज नीडेड जहाँ पर हमें कुछ अपने डेटाबेस में मॉडिफिकेशंस करना है। तो ज़रूरी नहीं हम अपने टेबल को डिलीट कर दें, दोबारा से शुरू करें, नो, दैट पर्टिकुलर टेबल कैन बी मॉडिफाइड, इट कैन बी अपडेटेड बाय यूजिंग द पर्टिकुलर सिंटेक्स। क्या सिंटेक्स है यहाँ पर, अपडेट टेबल सेट कॉलम, यहाँ पे कुछ उसमें वैल्यूज दी हुई हैं और कुछ कंडीशन दी है, जिसका एग्जाम्पल आप नीचे देख रहे हैं, अपडेट कस्टमर, आप कस्टमर को अपडेट कर रहे हैं। अभी उसमें हम यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं, दैट इज सेट एड्रेस इज इक्वल्स टू पुणे, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 6। तो जो 6 पर्टिकुलर आईडी है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसके एड्रेस को चेंज कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो दैट कैन बी अपडेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस अपडेट कमांड। नाउ मूविंग अहेड, एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट। अगर हमें अपने एंटायर टेबल को डिलीट करना है या किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को अप्लाई करके डिलीट करना है तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डिलीट टेबल नेम वेयर कंडीशन, तो उस कंडीशन लगाकर भी हम उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू डिलीट द पर्टिकुलर आईडी 6, तो हम इस पर्टिकुलर 6 आईडी को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट ड्रॉप, अगर हमें पूरे कंप्लीट टेबल की ही यूज़ नहीं है, दैट इज़ नाउ नो लॉन्गर नीडेड, तो उसके लिए हम क्या कमांड लिख सकते हैं, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, उस पर्टिकुलर टेबल का नाम लिख देंगे, ड्रॉप टेबल कस्टमर, सो दैट पर्टिकुलर टेबल विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ठीक है। सो इंश्योर बिफोर ड्रॉपिंग अ टेबल, क्योंकि एक बार ड्रॉप हो गया देन यू कैनॉट रिट्रीव दैट पर्टिकुलर टेबल, राइट। तो इंश्योर करें कि अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एसक्यूएल ट्रंकेट स्टेटमेंट। ट्रंकेट का क्या पर्पस है, ट्रंकेट इज बेसिकली यूज टू डिलीट द डेटा ऑफ द टेबल बट नॉट द टेबल, ठीक है। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट। जो भी हमने इसके पहले ड्रॉप देखा था वहां पर हम कंप्लीट टेबल को ही डिलीट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसके डेटा को डिलीट कर रहे हैं। तो उसको डिलीट करने के लिए क्या कमांड यूज़ होता है, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, आप क्या कर सकते हैं उसको, उस पर्टिकुलर टेबल को डिलीट करेंगे। तो ट्रंकेट टेबल कस्टमर्स, उसका जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी डिलीटेड। नेक्स्ट ऑल्टर। ऑल्टर में क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड ड्रॉप एंड मॉडिफाई द डेटाबेस। आप किसी भी पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, इंस्टेंस में अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका कमांड क्या है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कॉलम, जो भी आपको पर्टिकुलर कॉलम को ऐड करना है, ड्रॉप करना है, सो यू हैव टू स्पेसिफाई दैट पर्टिकुलर कॉलम एज इट इज़ मैंशन इन द एग्जाम्पल। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑल्टर टेबल कस्टमर, हम कस्टमर टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक और कॉलम को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड करते वक्त कॉलम का नाम भी लिखेंगे और साथ में उसका डेटा टाइप, ठीक। सो वी आर एडिंग वन कॉलम एंड द डेटा टाइप, सो दैट पर्टिकुलर कॉलम इज नाउ एडेड एंड इट कैन बी व्यूड विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड। जब हमने सिलेक्ट देखा था तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर. अब आपको ये जो नई एडेड कॉलम है ये भी आपको दिखाई देगी. नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट क्लॉज की बात करें. सो डिस्टिंक्ट क्लॉज का क्या पर्पस है? इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द नॉन डुप्लीकेट डेटा. ये आपको डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज प्रोवाइड करता है. इसका यहाँ पर सिंटेक्स आपको क्या दिख रहा है? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल. तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यूज को दे रहा है. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय सैलरी. तो आपको क्या करेगा, जिनकी 2000 सैलरी है तो उन पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट वैल्यूज को वो क्या कर देगा, आपको प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट, वेयर. वेयर तब यूज होता है जब हमें किसी फिल्टरेशन की, किसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसका सिंटेक्स क्या है? SQL कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन. अब आप क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? एक कंडीशन. सेलेक्ट ID नेम सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी इज ग्रेटर दैन 2000. तो जिसकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर सैलरी को यहाँ पर मेंशन किया गया है. एक कंडीशन लगी हुई है, जिनकी 2000 से ज़्यादा है उनका ID नेम और सैलरी को डिस्प्ले कर दिया जाए. तो वेयर क्लॉज, वेयर फिल्टरेशन इज डन, वेयर कंडीशन इज रिक्वायर्ड. SQL इन क्लॉज. इन ऑपरेटर इज यूज व्हेन आपको क्या करना है कि वो पर्टिकुलर कॉलम प्रेजेंट है या नहीं ये चेक करना है. तो उसके लिए इन का यूज किया जाता है. जिसके लिए कंडीशन क्या है यहाँ पर? सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन. इन के साथ कंडीशन लगेगी. जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स विद नेम, जहाँ पर नेम्स क्या होने चाहिए? खिलन, हार्दिक एंड मफी. तो आप उसे क्या कर सकते हैं? इन ऑपरेशन के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं. क्या क्वेरी लिख रहे हैं हम यहाँ पर? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स. सिलेक्ट एस्ट्रिक तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है वेयर के साथ. क्या कंडीशन है? वेयर नेम एंड खिलन, हार्दिक एंड माफी. ठीक है, तो ये आपके पर्टिकुलर इन ऑपरेशन से उन पर्टिकुलर डेटा की अवेलेबिलिटी को चेक करेगा और डिस्प्ले करेगा. बिटवीन, अगर किसी हम रेंज की बात करें तो उस पर्टिकुलर रेंज के लिए हम बिटवीन क्लॉज का यूज करते हैं. तो बिटवीन क्लॉज क्या करेगा, वो पर्टिकुलर रेंज में हमें वो वैल्यू प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव टू फाइंड the customers whose age is between the age 20 and 25. So that can be identified with the help of between operator. आपने यहाँ पर एक query लगा दी. क्या query लगा दी? Select asterisk from customer where age is between 20 and 30. So that can be identified over here. Between में एक आ गया. Next, like किसी certain patterns के लिए use किया जाता है. ठीक है, क्या इसके लिए क्वेरी यूज की जाएगी? सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम लाइक पैटर्न. तो हमें ऐसे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है जिनकी सैलरी 200 से स्टार्ट होती है. तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे. क्या क्वेरी है हमारी? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सैलरी लाइक 200. और 200 के बाद यहाँ पे स्पेशल थिंग इज टू बी नोटेड, परसेंट साइन. राइट, तो लाइक के साथ परसेंट यूज करते. तो जो भी 200 के आसपास वाली चीज़ें होंगी वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर एज इन मिल जाएंगी. नेक्स्ट, ऑर्डर बाय. अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन असेंडिंग या डिसेंडिंग, किस पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय, किस तरीके से हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, ग्रुप बाय. ग्रुप बाय क्या करता है, किस तरीके से हम अपनी वैल्यूज को ग्रुप कर सकते हैं. तो ग्रुपिंग, यहाँ पर ग्रुपिंग करने के लिए क्या कंडीशन लगी है? सिलेक्ट सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन ग्रुप बाय, किस पर्टिकुलर कंडीशन में उसे हमें ग्रुप करना है. तो ग्रुप करने के लिए हमने क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल हमें उसकी कैसे ग्रुप करना है, बाय देयर एज, और क्या कैलकुलेट करें, उनकी एवरेज सैलरी. तो यहाँ पर हम उसे एज से ग्रुप कर रहे हैं और एवरेज सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं. उसके लिए हमने क्या कमांड लगाया है? सिलेक्ट एड्रेस कॉमा एज
सम सैलरी एज टोटल सैलरी ग्रुप बाय एड्रेस और एज. तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय के थ्रू हमें अपनी रिस्पेक्टिव ग्रुपिंग के फॉर्म में अपनी आउटपुट मिल सकता है. हैविंग जब हमें किसी पर्टिकुलर रोज में फिल्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर हम SQL हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम कुछ कमांड्स यूज़ करते हैं. सिलेक्ट सम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ग्रुप बाय हैविंग अर्थमेटिक, तो ये हम वैल्यूज को शो कर सकते हैं. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो सैलरी है दैट इज़ ग्रेटर देन, अगर एक कंडीशन लगी है यहाँ पर कि यू हैव टू फाइंड द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कस्टमर वेयर द सम ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन 5000, और उसे हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसके लिए हम हैविंग क्लॉज का यूज करके वो पर्टिकुलर वैल्यूज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक. SQL डेटा टाइप्स, अभी हमने यहाँ पर कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा. नाउ SQL के डेटा टाइप्स किस पर्टिकुलर रेंज के लिए, किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज होना चाहिए. तो SQL में कई तरीके के डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर है, कैरेक्टर है, मॉनिटरी है, टाइम डेटा है, बाइनरी है. तो जिसकी जैसी स्पेसिफिक नीड्स होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसे हमारी ज़रूरत होगी. और ये पर्टिकुलर डेटाबेस हमें कब ज़रूरत पड़ते हैं, सिर्फ दो जगहों पर, नेम ऑफ द कॉलम एंड डेटा टाइप ऑफ द कॉलम, वहीं पर हमें ये नीडेड होते हैं. देखा जाए जनरली SQL में तीन डेटा टाइप्स हैं. कौन कौन से तीन डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक एंड डेट एंड टाइम. दीज आर द पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा टाइप्स. नेक्स्ट, सबसे पहले हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में ये हमारे कुछ टाइप्स हैं, कैरेक्टर है, वेर कैर है, बाइनरी है और वेर बाइनरी. कैरेक्टर जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ रहती है, विच कैन हैव लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, एंड उसकी जो डिफॉल्ट साइज होती है 1 होती है, रेंज करता है 0 से 25 में. वेर कैर की लेंथ स्ट्रिंग क्या होती है, इट कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, एंड इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 65535. बाइनरी ये कैरेक्टर की तरह ही है बट इट स्टोर्स बाइनरी बाइट स्ट्रिंग्स, ये बाइनरी बाइट स्ट्रिंग्स को भी स्टोर करता है. ठीक है, इसकी डिफॉल्ट साइज है 1. Where binary, this is also equal to where char, but it stores binary byte strings. So these are some of the data types of MySQL string data types. Moving ahead, numeric data type. Numeric data type की यहाँ पे कुछ categories हैं. कौन कौन सी categories हैं, int, tiny int and small int. Tiny, normal size integer होता है, signed भी हो सकता है, unsigned भी हो सकता है, इसकी range specified है, and it is having the width of 11 digits. Tiny int, it is a very small integer. It can also be signed or unsigned, and it is also having a range from 128 to 127. Small int, it can also be unsigned or signed. It is also having allowable range, and it can be width up to 5 digits. तो इस तरीके से ये अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अपने टेबल्स में इन पर्टिकुलर डेटा टाइप की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, डेट एंड टाइम. जब डेट एंड टाइम की बात आती है तो किस तरीके के आप डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं. डेट कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता है, YYY MM DD, उस तरीके की वैल्यूज को स्टोर कराता है डेट एंड टाइम. तो आपके डेट के साथ टाइम का भी फॉर्मेट रहता है HH MM SS. टाइम स्टैम्प आपकी किस पर्टिकुलर टाइम के बारे में स्पेसिफाई किया गया है तो वो टाइम भी यहाँ पर मेंशन किया गया है. तो इस तरीके से ये डेटा टाइप्स हमारे किसी भी टेबल को बनाते वक्त इन डेटा टाइप्स का हमें विशेष ध्यान रखना होता है. राइट. कॉन्स्ट्रेंट्स, हम जब भी कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करा रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो वहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट्स के रूल्स को बनाना बहुत ज़रूरी है. तो अगर हम कुछ भी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी हमारा जो रूल है वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए. दैट इज़ वाई दीज पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रेंट्स आर डिफाइंड, इसलिए इन कॉन्स्ट्रेंट्स को डिफाइन किया गया है. सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट, नॉट नल.
नॉट नल कंस्ट्रेंट ये बताता है दैट अ कॉलम के नॉट हैव अ नल वैल्यू, आप उसको एम्प्टी नहीं रख सकते. सो नॉट नल कंस्ट्रेंट. फॉर एग्जाम्पल सपोज आप देखते हैं आप कुछ गूगल फॉर्म या कुछ एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो आप किसी भी फील्ड को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो वहाँ पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता. सो कंस्ट्रेंट लगा हुआ है वहाँ पर, नॉट नल कंस्ट्रेंट. यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्रिएट टेबल कस्टमर आईडी में क्या लगा हुआ है, नॉट नल. अब आईडी प्राइमरी की है और प्राइमरी की में आप कुछ वैल्यूज ही ना दें तो दैट इज इम्पॉसिबल. तो यहाँ पर नॉट नल लगा हुआ है, वेयर कैर में नॉट नल लगा हुआ है, एज में नॉट नल लगा हुआ है. तो दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट इज मैंशनड ओवर हियर. नेक्स्ट इज यूनिक की कंस्ट्रेंट. यूनिक की क्या आइडेंटिफाई करता है कि आपकी जो कॉलम है वो सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करे. तो जो आपकी आईडी है दैट इज द यूनिक की, इट इज द प्राइमरी की एंड दैट पर्टिकुलर आईडी कैन नॉट बी नल. तो यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, नॉट नल एंड यूनिक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट. प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या इंश्योर कर रहा है कि जो आपका कॉलम है वो यूनिक होना चाहिए एंड देयर कैन बी अ सिंगल प्राइमरी की, एक सिंगल प्राइमरी की होनी चाहिए. तो की कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, कॉलम आईडी कैन नॉट बी नल एंड इट विल एक्सेप्ट ओनली यूनिक वैल्यूज. तो आप कॉलम आपका जो है आईडी वो नल नहीं छोड़ सकते और उसमें यूनिक वैल्यूज ही होनी चाहिए. Okay, thank you. That is all for the day. Thank you so much.